शहम शन्निहितम। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था, अब इसके आगे देखिए। कटु क्वणन्तो मलदाय काथला, कटु क्वणन्तो तुदन्त्यलं बन्धन शृङ्खला इव, तुदन्त्यलं बन्धन मनस्तु साधो ध्वनिभिः पदे पदे, मनस्तु साधो हरन्ति संतो मणिनो पुरा, हरन्ति संतो सुभाषितं हारिविशाचलोभन, न दुर्जनस्यार्करिपोरिवामृत, तदेव धत्ते हृदयेन सज्जन हरिर्महारत्नमि। कथा में सज्जन और दुर्जनों की, सज्जन की प्रशंसा और दुर्जनों की निंदा होती है। तो कथा के लक्षण में कि कवि वंश का परिचय हो, मंगलाचरण हो, सज्जनों की प्रशंसा हो, दुर्जन की निंदा हो, तो कथा के उसी लक्षण को ध्यान में रख करके आपने पहले श्लोक में देखा था कि पाण ने कहा था कि असज्जनात् कस्य भयं न जायते ना, अकारणात् आविष्कृत वैरदाग्मात् असज्जनात् कस्य भयं न जायते। यहाँ दुर्जनों की निंदा थी। अब आगे कहा कटु क्वणन्तो मलदायकाः खलाः, कटु क्वणन्तो मलदायकाः कौन खला, खल माने दुष्ट, जैसे कटु क्वणन्तो मलदाय, कटु क्वणन्तो मलदायकाः खलाः, मलदायकाः जो आपको मल देने वाले हों, मलिन देने वाले हों, गंदगी देने वाले हों, आपको बुरा कहने वाले हों, उनको बांधने कहा वो खल है। मलदायकाः कौन खला, खलो खला प्रथमा का बहुवचन है, तो जहाँ भी प्रथमा के बहुवचन मिलेंगे तो मलदायकाः कौन। अब बोले कैसा बोलते हैं, कैसा बोलते हैं, बोले कटु क्वणन्तः, कटु क्वणन्तः। ये कटु क्वणन्तः कौन खला, कटु क्वणन्तः, कटु कटु समझते हैं, कटु बड़ा कड़वा जो, और क्वणन क्वणन्तो क्वणन्तः, जैसे पठन पठन्तो पठन्तः, लिखन लिखन्तो लिखन, तो क्वणन क्वणन्तो क्वणन्तः, जो कटु क्वणन करते हैं, जो बड़ा गड़बड़ बोलते हैं, जिसकी बोली बड़ी कड़वी होती है, ऐसे जो कड़वे बोलते हैं कटु क्वणन्तः, वो क्या है खला। मलदायक उनको क्या कहा खला। अब बोले तुदंती, आगे लिखा है तुदंत क्रियापद है, तुदति तुदतः तुदन्ति, कर्ता है खलाः, क्रिया है तुदन्ति, अर्थ आप बता दीजिए। खलाः तुदन्ति, खल दुख देते हैं, खल क्या करते हैं, खलाः तुदन्ति ना, खला कैसे, खलाः तुदन्ति दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, परेशानी पैदा करते हैं। बाद में लिखा खलाः तुदन्ति, खलाः तुदन्ति, जो खल हैं, जो दुष्ट हैं, जो धूर्त हैं, वो तुदति तुदतः तुदन्ति, चूंकि खलाः में प्रथमा का बहुवचन था इसलिए क्रिया में भी खलाः तुदन्ति हो गया। तो किसी ने बाण से पूछा कि किसकी तरह, बोले बंधन श्रृंखला इव, बंधन श्रृंखला, बंधन श्रृंखलाः इव खलाः तुदन्ति, बंधन श्रृंखलाः इव खलाः, जैसे बांधने वाली श्रृंखला माने जंजीर, जैसे जंजीर से किसी को बांध दें तो जैसे जंजीर से बांधने के बाद वो जंजीर कष्ट देती है, ऐसे ही खल भी क्या करते हैं कष्ट देते हैं। आप किसी को लोहे की जंजीर से बांधेंगे, जहाँ बांधेंगे वहाँ थोड़ा सा काला पड़ जाएगा, मलिन हो जाएगा वो स्थान, तो मलदायकाः बंधन श्रृंखलाः और मलदायकाः खलाः, मलिन हो जाता है ना,
वो स्थान जहाँ पर श्रृंखला पड़ी है, बहुत कसके जंजीरों से आपको बांधा गया है, तो शरीर के जिस स्थान को जंजीर से कसके बांधा जाएगा वो स्थान काला हो जाएगा, कृष्ण हो जाएगा, मल हो जाएगा, मलिन हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। ऐसे बंधन श्रृंखला भी मलदायका और खलाह भी मलदायका। और उन्होंने कहा कटु कोणता खड़वा बोलते हैं कौन खल, और जंजीर से भी जो आवाज़ आती है वो बहुत मधुर आवाज़ नहीं आती, जंजीर की भी आवाज़ कैसी होती है, कड़वी आवाज़। तो कटु कोणता बंधन श्रृंखला है वो कौन खला, तो जैसी जैसी जैसे जो जो गुण खला हके और खल किसकी तरह बांधने वाली जंजीर के समान, यदि जंजीर से तुलना की गई खलों की तो जो खल के विशेषण है वो सारे विशेषण किसके होंगे, तो बंधन श्रृंखला है वो कौन खला, बंधन श्रृंखला है वो कौन, और मला मलदायका खला मलदायका बंधन श्रृंखला, कटुक कोणता खला और कटुक कोणता बंधन श्रृंखला, कटुक कोणता बंधन श्रृंखला मलदायका बंधन श्रृंखला। बोलिए हाँ, और इसीलिए खला कैसे बंधन श्रृंखला, खल कैसे बांधने वाली जंजीर के समान, तो कड़वा आवाज़ करती है, बहुत मधुर आवाज़ नहीं करती है, कौन जंजीर, तो वो जो बांधने वाली जंजीर होती है जैसे वो कड़वा आवाज़ करती है, ऐसे ही बहुत कटु बोलने वाला होता है कौन खल। जहाँ पर बांधा जाता है लोहे की जंजीर से वहाँ पर मलिनता छा जाती है, मल आ जाता है, गंदगी हो जाती है, हाथ काला हो जाता है, तो बंधन श्रृंखला का विशेषण हुआ मलदायका, और हमेशा मलिन मलिन ही बोलेगा, गंदगी फैलाएगा, जहाँ रहेगा गाली गलौज तीन तेरा गाय इधर उधर करता रहेगा कौन खला। तो पूरी लाइन आपको समझ में आई, खला की दृशा बोले खला बंधन श्रृंखला की हो, अब खला और की दृशा बोले मलदायका खला और मलदायका बंधन श्रृंखला, कटुक कोणता खला और कटुक कोणता बंधन श्रृंखला। पहली लाइन लीजिए बोले कटु कोणंतो मलदायका खला, कटु कोणंतो तुदंत्यलं बंधन श्रृंखलाव, तुदंत्यलं बंधन। अब नीचे की लाइन में कहा कि मनस्तु साधो ध्वनि पदे 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 जगह जगह पर बार बार पदे पदे साधु ध्वनि भी है, बहुत अच्छी ध्वनि के द्वारा साधु ध्वनि भी प्रत्यय का बहुवचन है, पदे पदे साधु ध्वनि भी मनहा, और आगे लिखा है मणिनूपुरा है वो, मणिनूपुरा है वो क्या संता, ऊपर की लाइन में क्या खला, नीचे की लाइन में क्या संता है, तो कहा हरन्ति संतो मणिनूपुरा, हरन्ति संतो मणिनूपुरा, मणिनूपुरा इव संतः मनः हरन्ति, मणिनूपुरा इव संतः मनः हरन्ति, और बंधन श्रृंखला इव खलाः तुदन्ति, बंधन श्रृंखला है वो खलाह तुदंती, और मणिनूपुरा है वो संतः मनोहरंती। कर लेंगे, मैं हिंदी बताऊं नहीं, बोले मनस्तु मन को तो हरंती साधु संता, कि संत कैसे बोलते हैं, साधुजन कैसे बोलते हैं, बोले साधु ध्वनि भी ही, बड़ी अच्छी ध्वनि के द्वारा इतने प्यार से बोल देते हैं कि मन चुरा लेते हैं। और कुछ लोगों का मन बाँधने लगता है, गड़बड़ लिख दिया, लिखने देना चाहिए दिल चुरा लेते हैं, साधु ध्वनि दिलम चुरम थी, और मानो मन एक बड़ी चीज है, मन की दृष्टि में जिधर मन गया उधर, जिधर मन गया उधर ही दिल जाता है, इसीलिए जिन लोगों को लगता हो कि हराम ये क्यों नहीं लिखे, दिल ले गया, दिल तब तक आपका नहीं जा सकता जिधर मन नहीं जाएगा, इसलिए बाण ने कहा कि जब मन ही चला जाएगा, जिसके ऊपर आपका मन ना हो, जिसको देखने का मन ना हो, जिससे बात करने का मन ना हो, जिसके पास बैठने का मन ना हो, उसके पास कभी दिल जा ही नहीं सकता।
ये मेरा रिसर्च है। इसलिए बाण ने कहा पहले क्या जाता है, पहले मन जाता है, पहले क्या जाता है मन। पहले हम किसी का चिंतन मन से करते हैं, किसी का चिंतन मन से करते हैं, मन से सोचते हैं। मन से यदि किसी के बारे में है तो मन गया तो फिर शरीर भी चला जाएगा, हृदय चला जाएगा, दिल चला जाएगा ना। इसलिए बाण ने क्या लिखा, हृदयम नहीं मना, क्या लिखा मन। और साधु लोगों का संत जो है मधुर ध्वनि के द्वारा, और कैसे मधुर ध्वनि करते हैं तो बाण ने कहा मणि नूपुरा, नूपुर हाय हाय मणि जिन नूपुर में मणियां लगी हैं और वो मणिदार पायल झांझरदार के झम छम 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 छम। अभी यहाँ कोई पायल पहन के चलने लगे, छमक छमक आने लगे, देखकर सब हमको देख के छोड़ के उधर देखने लगे। और तब पता चला कि अक्षर बाण ये क्यों लिखे हैं, मणि नूपुरा है वो, जो नूपुरों की ध्वनि है उनमें साधु ध्वनि है, जो पायल की ध्वनि है उसमें साधु ध्वनि है। इसलिए पायल की ध्वनि से तुलना की गई साधुजनों की, संतों की बोली भाषा के सज्जन लोग बोलते हैं तो जैसे पायल बजता हो, और जब कोई खल बोलता है तो लगता है जैसे भैंस बांधने वाली झंझीर बोलते। हम ऐसा नहीं कहते, ऐसा इसमें लिखा है, बंधन श्रृंखला है वो खला, बंधन श्रृंखला है वो। बड़े से बड़ा कवि भाण के सामने श्लोक लिखने में भी नतमस्तक हो जाता है, क्या लिखा है उन्होंने कि मणि नूपुरा साधु ध्वनि संता मना हरंती, और बंधन श्रृंखला इव खलाहा मलदायका भवंती कटु कोणंता, खला भी कटु कोणंता बंधन श्रृंखला भी, मलदायका बंधन श्रृंखला भी और मलदायका खला भी। और इधर नीचे की लाइन में आए और बोले कि एक बात बताऊं, ऊपर की लाइन में पहली और दूसरी लाइन में खलों की चर्चा की और बाद में सज्जनों की चर्चा करते हैं, खलों को पहले निपटा ले। बाण ने बताया कि भैया पहले खल का संहार ले, खल लाइन में रहेगा सज्जन को कोई बात नहीं, सज्जन नाराज नहीं होगा कि हमको बाद में काहे बोल रहे, पहली लाइन दूसरी लाइन खलों के लिए। बोले हाँ दे दो, खल शांत रहे सब काम हो जाएगा। अब खल मान लो नंगदाय मचा दे कोई काम नहीं होगा। इसलिए आप देखिए बारात में एक आदमी पीपा ले पूरी बारात परेशान हो जाए, पूरे बारात में एक फलोफड़ ले जा ले, 100 सज्जन रहे कोई मतलब नहीं, एक दुर्जन रहे सारा मतलब दुर्जन निकाल देगा, तुम्हारे बारात की ऐसी तैसी कर दे नहीं। इसे ध्यान रखना, बाण ने भी पहले किसको लाइन में लिया, खलों को, पहले किसकी वंदना स्तुति निंदा जिसको जो भी करना था पहले किसकी की, बस एक कैरेक्टर बताया, एक सोच बताई कि बोले कटो कोणंतो मलदायका खला तुदंतलं बंधन मनस्तु साधो ध्वनि भी पदे पदे हरंति संतो। और एक बात लिखी कि हर पग पग पर, जैसे प्रत्येक पग रखेंगे तो पायल छमक 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 छम हर पग पर बोलता है, पग पग पर। ऐसे जब साधु जन बोलते हैं ना तो उनकी एक एक भाषा एक एक स्थान मानो महक उठता है। इसलिए पदे पदे साधु ध्वनि भी कौन संता, और पदे पदे मणिनूपुरा, कोई भी पैर रखे तो पायल को बोलना तय क्यों साहब। ऐसे सज्जन प्रत्येक वाणी से, सज्जन अपने प्रत्येक भाषा से, पग पग पर, सज्जन के लिए पग पग पर, स्थान स्थान पर, बोली बोली पर, भाषा भाषा पर मानो मन को हरण करते हैं, जैसे मन लगे हुए नूपुर पायल प्रत्येक पग पग पर साधु ध्वनि करते हैं, सुंदर ध्वनि करते हैं। जैसे पायल साधु ध्वनि से मन को हरण कर लेते हैं, ऐसी सज्जन अपनी बोली भाषा से मन को हरण कर लेते हैं प्रत्येक पग पग पर। तो पग पग पर हमेशा प्यार से बोलते हैं, सज्जनता से बोलते हैं, साधु ध्वनि बोलते हैं। नीचे की तीसरी और चौथी लाइन सज्जनों को समर्पित है, ऊपर की पहली और दूसरी लाइन खलों को समर्पित है। खलों के लिए मलदायका विशेषण दिया, खलों के लिए कटुक कोणंता विशेषण दिया,
और खलों की तुलना बंधन श्रृंखला से की, सज्जनों की तुलना बजते हुए मणि लगे हुए पायलों से की। जैसे पायल पग पग पर बजते हैं तो साधु ध्वनि करते हैं और सबके मन को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, ऐसे ही मणि लगे हुए पायल के समान सज्जन अपनी प्रत्येक बोली भाषा पर लोगों का चित्त अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लोगों का मन अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जो साधुजन हैं, जो सज्जन लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो संत हैं, जो महात्मा हैं, जो बड़ी हस्ती है, जब वो मंच पर खड़ी होती है और बोलना चाहती है तो सारी जनता एक एक शब्द पर उसके मोहित होती है। ये मनस्तो साधो ध्वनि भी पदे, मनस्तो साधो ध्वनि भी पदे पदे, हरन्ति संतो मणिनो संतः मणिनो पुरा हैव, संतः मणिनो पुरा पदे 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 पदे, साधु ध्वनि भी मनः हरन्ति, संतः मनः हरन्ति, संतः मनः हरन्ति। किसके द्वारा बोले? साधु ध्वनि भी। कब बोले? पदे 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 ना, जैसे मणिनो पुराः पदे पदे साधु ध्वनि भी मनः हरन्ति, वैसे ही सज्जनः पदे पदे साधु ध्वनि भी मनः हरन्ति, संतः साधु ध्वनि भी मनः हरन्ति। कैसे बोले? मणिनो पुराः, जैसे मणिनो पुराः पदे पदे साधु ध्वनि भी मनः हरन्ति, वैसे हमारे जैसे सज्जनः पदे पदे साधु ध्वनि भी मनः हरन्ति। कर लेंगे ना। अब बताओ बात कठिन है? मैं फिर से आपको याद दिला दूं, कोई कठिन नहीं है, हर विषय सरल है। विषय सरल और कठिन हो जाता है ना मास्टर की वजह से। विषय सरल, अभी इसी श्लोक को आप किसी और दूसरे मास्टर से पढ़ते अब तक वो तीन चार श्लोकों पढ़ा दिया होता और हिंदी बोलबे नहीं किए। हम संस्कृत संस्कृत बोले आप समझ गए कि नहीं? संतः मनः हरन्ति, संतः मनः हरन्ति किसकी तरह? बोले मणिनो पुराः की तरह। मणिनो पुराः जैसे पदे पदे मनः हरन्ति, वैसे संतः पदे पदे बोली बोली पर भाषा भाषा पर एक एक बात पे आपके मन को अपनी ओर खींचता है, इसलिए तो सज्जन है। और खल हर बात पर अलम तुदन्ति, एक एक बात बोलेगा तो लगता है जैसे सीना फाड़ दिया है, देखते हो पटो हो जाके आगे लगाने लगती है, काहे बात लग गई होती। कोई आदमी जाके जमुना जी से कूदने लगता है, काहे बात चुभती, बात लग जाती। कोई जाकर के दरवाजा बंद करके फांसी लगाने लगता है, काहे बात चुभती। इसलिए कहा खलाह अलम तुदन्ति और सज्जना संतः मनः हरन्ति। दुष्ट बोलेगा तो मन दुखी होगा, कष्ट में होगा। सज्जन बोलेगा तो दुखी मन भी हरा भरा होगा। ये बड़ी खास बात है, जब आपको प्यार करता है, जब वो आपसे बोलता है तो आपका मन गदगद हो जाता है। आपके लिए वो सज्जन है, आपके लिए उदार है। और जिसको आप पसंद नहीं कर रहे हो तो कोई दुष्ट है, कोई खल है। जब वो बोलता है, मान लो प्यार से भी बोलेगा तो आपको चुभेगा ना। क्या बात लिखी है, कटुम पूर्णता कौन खला मलदायक कौन। अब क्या उदाहरण दिया है, एक को बनाया लोहे की जंजीर और एक को बनाया पायल, पायल में लगाया मणि, माने पायल सिंपल पायल नहीं, घुंघरूदार। कैसा? हाँ बाजे वाला, घुंघरू में लागे कैसे बाजे नहीं, केवल लिख देते नूपुरा है वो। नूपुर माने पायल होता, मणि काहे जोड़ा माने, ताकि बाजे झुनम 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 चमक 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 चमक। अरे तुम्हारा मेहरारी तो कब बढ़िया मणि नूपुर पहनाए हो, जब जय बात पग रखे छन छन छन। ठीक है, चलिए ये आप समझ लिया आपने, कर लेंगे इसको।
मनस्तु साधो ध्वनि पदे पदे हरन्ति संतो मणियो पुराय। अब इससे कोई भी सवाल आए आप कर लेंगे। पूछ लगा जंजीर से किसकी तुलना की गई, मणिनोपुर से किसकी तुलना की गई, मन का हरण कौन कर लेते हैं, कर लेते हैं ना। मलदायका और कटुक कुड़ंता बाणने किसे कहा, खलाह को ना। और इसमें खल खल खलों की और सज्जनों की दोनों की बात कही गई। कटुक कुड़ंता मलदायका खला तदन तिलम तुदन चलम बंधन तुदन तिलम ने कौन समझी, हेण संदेह तुदंत अलग ना हेण संदेह। आगे बढ़िए, बोले सुभाषितम हरि विषत्यद सुभाषितम हरि विषत्यद न दुर्जन स्यार करि पौरिवामृतम। हर महारत्न निवाति निर्मल, हरिर महारत्न निवाति निर्मल। हाँ, तो देखिए अभी मान लो हम किसी श्लोक को पढ़ रहे हैं तो अभी पहली बार पढ़े तो उतना मज़ा नहीं आएगा, जब आप इसका अर्थ करके पढ़ेंगे तो और मज़ा आएगा। जब हम कटुक पुराणता पढ़ रहे थे तो जब पहली बार पढ़े तो अर्थ नहीं समझ में आ रहा था, अब जब पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा ना। कटु कुणंतो मलदायका खला, समझ गए। अतुदंत्यलं बंधन श्रृंखलाई मनस्तु साधो ध्वनि भी पदे पदे संतो मणिगु कुलाई। अब इसका अर्थ कर लेंगे ना, आसान है सरल है। अब आगे कहा सुभाषितम हारिषत्यधो, बाण ने कहा हारि सुभाषितम, जो मनोहारि सुभाषितम, हारि माने हरण कर लेने वाला, जो आपके मन को हरण कर ले वो हारि सुभाषित है। बोले ऐसे सुंदर वचन, भाषित माने बोलना, सुभाषित माने सुंदर बोलना, अच्छा बोलना, मधुर बोलना। हारी विशेषण है सुभाषितम का, हारी सुभाषितम। आगे लिखा है विसति अधः गलात ना, गला ना लिखा है ना। और फिर लिखा है आगे दुर्जनस्य, क्या लिखा है, तो दुर्जनस्य गलात, दुर्जन के गले के नीचे हारी सुभाषितम ना विशति, सुंदर वचन गले के नीचे नहीं उतरता ना। सुभाषितम हारि विशति, विशति अधो गलात ना दुर्जनस्य, दुर्जनस्य गलात सुभाषितम न विशति, तो दुर्जनस्य गलात अधः, दुर्जन से गला अधार, हारि सुभाषितम सुंदर वचन, मनोहारी वचन, ना विशति नहीं प्रवेश करते। तो किसी ने बाण से पूछा कैसे, बोले जैसे अर्क रिपो हेव अमृतम, अर्क रिपो हेव अमृतम, अर्क अर्क मन असुर का शत्रु कौन, राहु, तो अर्क रिपु कौन हुआ, राहु के गले के नीचे अमृत ठहरता है, ऐसे दुर्जन के गले के नीचे कभी भी सुभाषित उतर नहीं सकता। अर्थात सुंदर वचन, मधुर वचन अमृत के समान, दुर्जन राहु के समान। जैसे राहु कितना भी हम अमृत पिए गले के नीचे कुछ है ये नहीं कहा जाए, गले से खत्म है। तो जैसे अर्क रिपोह अमृतम, अर्क रिपोह अमृतम यथा गलात अधाना विशति, जैसे राहु के गले के नीचे अमृत प्रवेश नहीं कर सकता, ऐसे ही दुर्जनस्य गलात अधः, दुर्जन के गले के नीचे हारि सुभाषितम ना विशति।
ना दुर्जन से गलात अधा हारि सुभाषितम ना विशति वैसे ही जैसे हर कृपो हो अमृतम। जैसे हर कृपो कौन है? उसके गले के नीचे। अतः जितना अमृत पिया उन्हें अमृत के चक्कर में तो गला कट गया है। बोलो तो बोले सुभाषितम हारि विशति भोगला न दुर्जन स्याल करिपोरिवामृतम। और दुर्जन हो उसको चाहे जितना अच्छा वचन कहो वो दुर्जन अच्छे वचन को सुनना पसंद ही नहीं करता। मान लो किसी तरह से सुन ले तो गले के नीचे नहीं उतारता, अर्थात जैसे सुना वैसे बाहर। दुर्जन दुर्जन इसीलिए है क्योंकि सज्जनों की भाषा सुभाषित सुंदर वचन अच्छी बातें उसको अच्छी नहीं लगती, इसीलिए तो दुर्जन है। और जिसको सुंदर वचन अच्छे लगे, सुंदर वचनों को धारण करे, सही वचनों को सुने, वेद के वचन सुने, पुराणों के वचन सुने, बड़े लोगों का वचन सुने, बड़े सयानों की बात माने, वो दुर्जन दुर्जन कैसा? दुर्जन दुर्जन तब तक नहीं है जब तक लोगों की बात सुन रहा है। और दुर्जन इसीलिए दुर्जन है क्योंकि वो सुंदर वचनों को अपने गले के नीचे जाने नहीं देता। जाने नहीं देने का मतलब गले के नीचे जाने, गले के नीचे क्या है? हृदय। गले के नीचे क्या है? जब कोई बात किसी दुर्जन के हृदय में उतर जाएगी तो दुर्जन दुर्जन रहेगा ही नहीं, यदि वो बात सुभाषित है तो। सुंदर वचन है, अच्छे वचन है, बढ़िया वचन है तो हृदय में धारण करेगा ना। और हृदय में यदि दुर्जन अच्छे वचनों को धारण करे तो दुर्जन होगा क्या? दुर्जनता समाप्त तो हो जाएगी। दुर्जनता की दुर्जनता तभी तक जब तक सुंदर वचन गले के नीचे उतरे नहीं। और इसीलिए बाण ने कहा कि दुर्जन किसी भी सुभाषित को गले के नीचे जो हृदय है हृदय में धारण ही नहीं करता। जब कोई बात आप दिल से नहीं लगाओगे, हृदय में धारण नहीं करोगे तभी तक आप दुर्जन हो, नहीं तो सज्जन हो जाए। इसीलिए क्या कहा? गलात अधः ना विशति। गलात अधः ना विशति। क्या नाम विशति? बोले सुभाषितम नाम विशति। किसके? बोले दुर्जनस्य। किसकी तरह? बोले हर करिपो इव। और सुभाषित किसकी तरह? बोले अमृतम इव। किसकी तरह? तो न दुर्जनस्य हर करिपो इवामृतम, न दुर्जनस्य हर करिपो इवाम सुभाषितम हरि विशति धोगला। रुक जाओ। तदेव उसी सुभाषित को धत्ते हृदयेन सज्जनः। तो हमको काहे को बुलाए जब सब तुम्हें बता रहे थे? तदेव धते हृदयेन। किसकी तरह? बोले हर महारत्न विमाति निर्मल। हर महारत्न विमाति निर्मल। तदेव सुभाषितम उसी सुभाषित को सज्जनः जो दुर्जनस्य गलात अधा नाविशति। तदेव सुभाषितम सज्जना हृदयेन धत्ते। उसी सुभाषित को हम जैसे सज्जन हृदय में धारण करते। तदेव तदेव कौन? जो हारि सुभाषितम दुर्जनस्य गलात अधा नाविशति। तदेव उन्हीं सुंदर वचनों को, उन्हीं बाण के वचनों को, उन्हीं कालिदास के वचनों को, उन्हीं महाभारत के रामायण के वचनों को, उन्हीं बड़ों के वचनों को, उन्हीं सुंदर वचनों को जो सज्जन व्यक्ति होगा वो हृदय में धारण करेगा। जैसे कौस्तुभ मणि को हरि, हरि यानी विष्णु महारत्न को हृदय में धारण करते हैं। कौस्तुभ मणि को हृदय में धारण करते हैं। जैसे विष्णु भगवान सज्जन है, विष्णु सज्जनता के प्रतीक हैं, इसलिए पुरुषोत्तम है। क्या है? तो बोले जैसे हरि महारत्नमिव। महारत्नमिव क्या? सुभाषितम। जैसे वो महान रत्न को विष्णु भगवान महान रत्न को कौस्तुभ मणि को अपने हृदय में धारण करते हैं, अति निर्मल कौस्तुभ मणि को, ऐसे अति निर्मल सुभाषित को, अत्यंत पवित्र पावन भाषा को जो सज्जन होते हैं वो हृदय में स्थान देते हैं। बड़े लोगों की बातों को हृदय से सुनते हैं, दिल से सुनते हैं। यदि कोई आदमी
किसी सुंदर वचनों को दिल से लगाता है, दिल से सुनता है, तो वो सज्जन है। और यदि कोई आदमी अपनी माँ के, अपने बाप को, अपने पुराणों के, अपने रामायण को, महाभारत को, कालिदास को, भभूति के बाण के वचनों को गले के नीचे उतरने नहीं देता, वो दुर्जन है। वो क्या है? क्योंकि जो सज्जन होते हैं, जैसे विष्णु भगवान जैसे कौस्तुभ मणि को हृदय में धारण करते हैं, ऐसे ही सज्जन लोग सुभाषित को हृदय में धारण करते हैं। यदि सुंदर बातें, सुंदर वचन आपके हृदय में है, तो सारे गलत काम हृदय से प्रारंभ होते हैं। और यदि सुंदर वचन आपके हृदय में है, सुंदर सीख आपके हृदय में है, सुंदर बातें आपके हृदय में हैं, तो वो सुंदर बातों से युक्त हृदय कभी भी आपको गलत करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा। इसलिए कालिदास से प्रेरणा लेते हुए, पाणिनि, पतंजलि अपने पूर्वजों से प्रेरणा लेते हुए, भास इत्यादि, अशुघोष इत्यादि अपने पूर्वज कवियों से प्रेरणा लेते हुए, बाण ने मानो कहा कि भट इस दुर्जन, और कहा कि वो कोई सज्जन, सज्जन कौन है और दुर्जन कौन है। तो उन्होंने परिभाषा बताई, जो बड़ों की बातों को ना सुने, जो बड़ों की बातों को, जो सुभाषित को, जो सज्जनों की बात को, बड़े लोगों की बात को गले के नीचे ना उतरने दें, का मतलब जो हृदय में धारण ना करे, जो हृदय से ना सुने, जो एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दे, और जो बैठे हमरे लगे देखे बहरे। उनके लिए कहा कि वो लोग सुभाषितम आर्य सत्य दूर न दुर्जन स्यार करे पोर। अब देखना, दुर्जनस्य गलात अधः हारि सुभाषितम ना विशति, वैसे ही जैसे अर्क रिपोह गलात अधः अमृतम ना विशति। अर्क रिपोह गलात अधः अमृतम यथा न विशति, वैसे ही दुर्जनस्य गलात अधः हारि सुभाषितम न विशति। कर लेंगे। और तदेव सुभाषितम सज्जनः हृदयेन धत्ते, और उन्हीं सुंदर बातों को, उन्हीं सुंदर बड़ों की बातों को, शास्त्र की बातों को सज्जन हृदय में धारण करते हैं, वैसे ही जैसे हरि ही महारत्नम इव अति निर्मलम हृदयेन धत्ते, जैसे हरि ही अति निर्मलम महारत्नम हृदयेन धत्ते, जैसे विष्णु भगवान अत्यंत निर्मल पावन कौस्तुभ मणि को अपने हृदय से लगाए रहते हैं, ऐसे ही सज्जन सज्जनों की बातों को, सुभाषित को, बड़ों की बातों को, अच्छे वचनों को अपने दिल में स्थान देते हैं, वैसे ही जैसे विष्णु भगवान कौस्तुभ मणि को अपने हृदय में स्थान देते हैं। तो कौस्तुभ मणि के समान क्या?